after you. तो हेलो गाइज यार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रतीक है और अभी मेरे पीछे जो बीच है वो है कुडले बीच। कुडले बीच पे मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद मैं जा रहा हूँ ओम बीच। ओम बीच के लिए ट्रैक है, मैंने देखा नहीं है कैसा है। मतलब जो लोकल से मैंने उनसे पूछा है तो बोल रहे हैं कि कुछ टाइम लगेगा, कम से कम 4 किलोमीटर करीब है, 4 या 5। तो मैं देखता हूँ अभी पहुँचना है मेरे को, स्टार्ट करना है। अभी बस नीचे एक रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा, मतलब वेज और एग मिलता है उस पर, चिकन या नॉन वेज का नहीं है। अच्छा रेस्टोरेंट है काफ़ी, मेरे को कुडले बीच में मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट लगा है, क्योंकि लोकेशन उसकी बिल्कुल एंड पॉइंट पे है जहाँ से ओम बीच का रास्ता जाता है और लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी। तो ट्रैक का मैं रास्ता दिखाता हूँ, देखो इसी रास्ते से मैं आया हूँ अभी और अब मेरे को जाना है ऊपर ओम बीच। एक रास्ता ये वाला नीचे वाला है जहाँ से आते हैं, एक ही वाला है जहाँ से अब जाएंगे। तो विविंग मी गाइस एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इधर लोकेशन देखो यार, कितनी बढ़िया लोकेशन है, बीचेस, पूरा बीच है मेरे पीछे। यहाँ से अब ट्रैक शुरू। पानी वानी थोड़ा कैरी कर लिया मैंने, बाकी मेरे पे कुछ नहीं है, बाकी ऊपर देखूँगा क्या है। प्लीज व्यू स्टेयर्स है यहाँ तो, गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं यहाँ पे तो टूरिस्ट की। यार एक रास्ता नीचे से जा रहा है वो है बाई रोड, और एक ये मैंने पता किया एक ट्रेल है जो जाएगी ओम बीच। कैसा रास्ता है, वेस्टर्न गार्ड्स में काफ़ी कोबराज भी हैं तो थोड़ा सा मेरे को देख के चलना पड़ेगा। बहुत कोबरा एंड रेडल स्नैक्स बहुत सारे हैं। नो वे रास्ता है, जंगल है ना। तो किधर है ओम बीच, किधर है? ये कोई गार्डन पे आ गया है ओम बीच, लेकिन पीछे ही है, दिख तो रहा है। पहुंच गया यार ओम बीच, यहाँ से कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं। तो यार यही है ओम बीच, अभी काफ़ी अच्छी जगह है यार बैठने के लिए, यहाँ मतलब ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है और बीच भी काफ़ी शांत है। और देखो पूरे में ट्रीज ही ट्रीज है, जैसे गोवा की तरह नहीं कि हर जगह शेक्स से गाने बज रहे हैं, शांत पीसफुल और ट्रीज हैं तो काफ़ी ठंडा भी है बैठने के लिए भी। तो मौसम थोड़ा ठीक है, मैं जाता हूँ अभी स्विमिंग पे। ये ओम बीच का एक दूसरा ओम है, एक ओम वो है, ऐसे बनता है ओम बीच। सी कैसा है बीच पीछे, अननोन पैराडाइज हिडन। तो हेलो गाइज यार, मैं अभी हूँ ओम बीच के एंड पे। ओम बीच के एंड पे यार मैं सुबह का टाइम है, ट्रैक पे आ रहा हूँ और इधर लिख रहा है हाफ मून बीच 30 मिनट्स और पैराडाइज बीच 1 आवर। तो देखता हूँ ट्रैक कैसा है, बस ट्रैक शुरू और मॉर्निंग बहुत अच्छी है। ये स्टार्ट है, लोग रात में भी जाते हैं क्योंकि प्लैंकटन दिखता है, मैंने सुना है कि बीच मतलब ग्लो करता है। यार रात में तो जा नहीं पाया हूँ, सुबह के टाइम देखता हूँ। और मैंने सुना है सनराइज भी बड़ा अच्छा है उधर का। वो बीच, बीच व्यू काफी अच्छा है इधर। ओम बीच का स्टार्टिंग, तो
फर्स्ट व्यू पैराडाइज बीच, सही ट्रैक था यार काफ़ी, मतलब बीच बीच में कहीं पे रॉक्स थे तो बिल्कुल स्लाइड पे था, कॉर्नर पे चलना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा है ब्लैक सी है जैसे। तो यार मैं ट्रैक करके बीच से काफ़ी देर बाद मतलब रेस्ट वेस्ट करके सारे बीचेस पैराडाइज बीच और हेल बीच और निर्वाणा बीच इनको देख के हम लोग पहुँच गया बेलकन। बेलकन एक छोटा सा टाउन है गांव है इधर, और यहाँ पे कि एक प्लेटफॉर्म्स आए हुए इस पर काफ़ी।